हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्यू अकेडमी। मैं चारू अग्रवाल आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शिक्षा दर्शन के, यानी कि फिलोसफी ऑफ एजुकेशन के। तो ये जो हमारी क्लास है ये बीएड वालों के लिए, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ इससे रिलेटेड। बाकी और भी जो टॉपिक्स हैं वो मैं एक एक करके आपकी वीडियो कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो ये जो है एसएसजी यूनिवर्सिटी, कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, सेम सिलेबस है दोनों के लिए है। तो बस आप लोगों को क्वेश्चन देखने हैं, क्वेश्चन तैयार करने हैं, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है दर्शन की शाखाएं बताइए, ठीक है। यानी कि दर्शन शास्त्र की जो शाखाएं होती है उसके बारे में हमें यहाँ पे बात करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। तो चलिए देखते हैं दर्शन की शाखाएं। शाखाएं क्या होती हैं? अगर आपसे कुछ भी पूछने, दर्शन के कितने प्रकार होते हैं, दर्शन की शाखाएं क्या है, दर्शन शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र को व्यक्त कीजिए, दर्शन शास्त्र के बारे में, मतलब दर्शन शास्त्र के प्रकार वगैरह, कुछ भी आपसे दर्शन शास्त्र के बारे में पूछते हैं तो यह है दर्शन शास्त्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो दर्शन शास्त्र को देखिए कितने भागों में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया है, तीन पार्ट्स में डिवाइड है। कौन कौन सा? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा। किसमें? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और नीति मीमांसा, ठीक है। देखते हैं क्या होती है ये आपसे। देखिए क्या होता है शॉर्ट क्वेश्चन में ना, एक एक दो नंबर में ये भी पूछ सकते हैं कि तत्व मीमांसा किसे कहते हैं, या ज्ञान मीमांसा किसे कहते हैं, या नीति मीमांसा किसे कहते हैं, या नीति मीमांसा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको यहाँ से करने हैं, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोगों को क्या करना है, छोटा बड़ा क्वेश्चन को कर देना है, थोड़ा आपके दिमाग से यूज कीजिएगा सिक्स सेंस का, और थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा भी कर दीजिए, मतलब आंसर को थोड़ा सा लंबा दीजिएगा और फिर लिख दीजिएगा, ठीक है। मैं आपको समझाती हूँ क्या चीजें हैं। तो देखिये तत्व मीमांसा क्या होता है। तत्व मीमांसा में सृष्टि श्रेष्ठा, आत्मा परमात्मा, जीव जगत तथा जन्म मगर के स्वरूप की खोज की जाती है। तत्व मीमांसा की अब तक की जाने वाली खोज और उसकी तार्किक विवेचना इस विषय इसकी विषय वस्तु कहलाती है। तत्व मीमांसा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक माना जाता है। देखिए तत्व मीमांसा में क्या आती है, सृष्टि श्रेष्ठता, यानी कि सृष्टि क्या, धरती दुनिया, ठीक है। आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा क्या, आत्मा परमात्मा ईश्वर, आत्मा हम, ठीक है। जीव जगत, जीव जगत क्या, जीव ये हम लोग, ठीक है, जीव जंतु। और जगत क्या, प्राणी जगत, जीव जगत, ठीक है। जन्म मगन यानी कि जिंदगी, मौत, ठीक है। इस तरीके के जो स्वरूप होते हैं, यानी कि हमारी जीवन में जो भी तत्व है, ठीक है, उन सभी के ऊपर खोज करना, उन सभी पे विचार करना, उन सभी के बारे में जानना, ये सब किसमें आते हैं, तत्व मीमांसा में आते हैं। तत्व मीमांसा में अब तक की जाने वाली खोज, जो भी अब तक खोज की गई है, ठीक है, और उसकी जो विवेचना की गई, तार्किक विवेचना क्या होता है, तार्किक विवेचना का मतलब होता है भाई तर्क वितर्क करना, ठीक है। उसके ऊपर जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, मैंने कहा भाई आत्मा होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने मुझसे कहा कैसी होती है, ये तो नहीं दिखाई दी, मैंने तो नहीं देखी, तो कुछ मैंने उस पर अपना तर्क दिया कि होती है, मैंने ये केस देखा है, मैंने ये देखा है, तो आपने क्या है, सामने वाले ने कहा कि वो ड्रामा था, कुछ भी था, मतलब एक मैं एक आपको उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है। तर्क वितर्क जो होती है, बातचीत जो होती है, ठीक है, उसके बाद जो नतीजा निकलता है उसे यहाँ पे कहते हैं तार्किक विवेचना, यानी कि जो अब तक खोज हुई है उस पर जो बातचीत हुई है, उस पर जो तर्क दिए गए हैं, वो सब क्या कहलाते हैं, तत्व मीमांसा की विषय वस्तु कहलाती है। क्या कहलाते हैं, विषय वस्तु कहलाती है, ठीक है। तत्व मीमांसा का क्षेत्र कैसा है, अत्यंत व्यापक है। व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा है, ठीक है। फैला हुआ इसका क्षेत्र है, तत्व मीमांसा काफी बड़ी चीज है, ठीक है, मतलब काफी बड़ी चीज नहीं, मतलब काफी बड़ा क्षेत्र में फैली हुई है, यानी कि उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत मानव बुद्धि, ज्ञान प्राप्त करने के साधन, विधियां, सत्य असत्य और भ्रम आदि की खोज की जाती है। यानी कि आपकी मानव बुद्धि जो है उसका आईक्यू लेवल समझ लीजिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधन, यानी कि हम ज्ञान किस किस चीज से प्राप्त कर सकते हैं भाई, किताबों से प्राप्त कर सकते हैं, आज की डेट में तो इंटरनेट है उससे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। हम अपने किसी गाइड के द्वारा या किसी टीचर के द्वारा अपने जो डाउट्स हैं वो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें दर्शन शास्त्र में अपना गुरु बनाया जाता है, तो वहां उनसे ले सकते हैं, ठीक है। उसकी जो विधियां हैं, यानी कि किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, क्या करना होता है, तो वो विधियां, सत्य असत्य भ्रम, ये सब क्या है कि सत्य क्या होता है, सच क्या है, झूठ क्या है, भ्रम क्या है, ठीक है। अगर आप देखें दर्शन शास्त्र में आप जानेंगे भ्रम क्या है, क्या होता है भ्रम, भ्रम होता है ये दुनिया, इस दुनिया में सुख है वो भ्रम है, तो कुछ समय गएगा चला जाएगा, ये भ्रम के अंदर लिया जाता है। सत्य क्या है, मृत्यु,
अंतिम सत्य क्या है हमारा, मृत्यु। क्योंकि आप अगर दुनिया में आए हैं तो आपको जाना है, मौत से कोई नहीं बचा, वह हमारा सत्य हुआ। असत्य क्या है, सांसारिक मोह माया, ये सब माया जाल है, सब झूठ है, ठीक है। ये वाली जो बातें होती हैं ये किसमें है, फिलोसफी में, ये सब दर्शन शास्त्र में हमें जानने के लिए मिलती है। ये सब किसमें आती है, ज्ञान में माचा में, ज्ञान की खोज में, ठीक है। इस क्षेत्र में अब तक होने वाली खोज और उसकी तार्किक विवेचना ज्ञान मीमांसा की विषय वस्तु के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो इसमें जो भी खोज हुई है उस पर जो भी तार्किक विवेचना हुई है ये सब किसमें आती है, ज्ञान मीमांसा की विषय वस्तु में, ये भी विषय वस्तु में आती है। ज्ञान मीमांसा भी दर्शन का विषय मात्र है, यानी कि ज्ञान मीमांसा क्या है, दर्शन शास्त्र का सिर्फ एक विषय है। ऐसा नहीं है आप कह दो कि ज्ञान मीमांसा पर पूरा दर्शन शास्त्र टिका हुआ है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ज्ञान मीमांसा पर पूरा दर्शन शास्त्र नहीं है। दर्शन शास्त्र क्या है, इसके ये बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है, उसके अंदर एक विषय है, एक टॉपिक है ज्ञान मीमांसा, जो कि इसके अंतर्गत आता है, किसके, दर्शन शास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। फिर आता है आपका नीति मीमांसा। नीति मीमांसा के अंतर्गत मानव जीवन के अंतिम उद्देश्य, इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन, मूल्यों, मान्यताओं और आदर्शों, खोज, व्याख्या तथा मनुष्य के लिए करणीय अकरणीय कर्मों की खोज तथा उसकी विवेचना की जाती है। यानी कि नीति मीमांसा के अंतर्गत हम क्या बताते हैं, मानव जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है, हम उस उद्देश्य को किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उस उद्देश्य की क्या मान्यता है, क्या हमारे आदर्श है, किस तरह से उसे खोजा जा सकता है, किस तरह से उसकी व्याख्या की जा सकती है, मनुष्य के लिए क्या कर्म ऐसे हैं जो उसे करने चाहिए, क्या कर्म ऐसे हैं जो उसे नहीं करने चाहिए, इन सब चीज़ों की जब हम खोज करते हैं, इन सब चीज़ों की जब हम तार्किक विवेचना करते हैं, बैठ के बातचीत करते हैं, बताते हैं, तो ये सब किसके अंतर्गत आती है, नीति मीमांसा के अंतर्गत। चलिए आगे देखिए, इसी विवेचना को आचार मीमांसा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, आचार मीमांसा भी कहते हैं। अगर आपके पास आए कि भाई नीति मीमांसा किसे कहते हैं तो भी आपको ये लिखना है, आचार मीमांसा किसे कहते हैं तो भी आपको ये लिखना है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने जब पढ़ा होगा तो इसे नीति मीमांसा को आचार मीमांसा भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, आचार मीमांसा, ठीक है। दोनों चीजें एक ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आचार मीमांसा ही क्या है, नीति शास्त्र है। नीति मीमांसा नीति शास्त्र के अंतर्गत आ गई, ठीक है। नीति शास्त्र क्या है, दर्शन शास्त्र का ही एक विषय है, ठीक है। इस क्षेत्र में की जा चुकी खोज तथा तार्किक विवेचना इसकी विषय वस्तु कहलाती है। देखिए, अगर किसी भी क्षेत्र में कोई खोज की जा रही है और उस पर कोई तार्किक विवेचना दी जा रही है, यानी कोई तार्किक हो रहा है, तो वही उसकी विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। जब तक कोई दर्शन मनुष्य को आचरण की दिशा प्रदान नहीं करता, तब तक उसका कोई महत्व नहीं होता। कहने का मतलब है, यदि कोई फिलोसफर, कोई फिलोसफी आपको, आपके आचरण को कोई दिशा नहीं देती, कोई, जैसे क्या है, मैंने कहा कि ज्ञान मीमांसा पे मैंने कहा कि आपको मैंने बताया कि जीवन का सत्य क्या है, मृत्यु, असत्य क्या है, ये सांसारिक मोह माया, इसे छोड़ दो, भ्रम क्या है, ये दुनिया भ्रम है। तो ये चीजें अगर हम देखें, अब यहाँ पे जीवन का अंतिम उद्देश्य की बात हुई है, है ना, उन उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन, तो यहाँ क्या है, जब आपको ये सब ज्ञान मिलेगा तो ये ज्ञान क्या है, आपको एक दिशा देगा, आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए, क्या छोड़ देना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, अगर कोई भी ऐसा दर्शन है जो कि आपको ये दिशा प्रदान नहीं करता, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। यानी कि उसका महत्व कब है, जब वो आपको वो आचरण, वो दर्शन, वो आपको एक दिशा प्रदान करे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा और दर्शन में अंतर बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अंतर है या समानता है, ये आपसे पूछी जाती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, आंसर देखिए। शिक्षा और दर्शन में निम्नलिखित अंतर है, कौन कौन से अंतर है। पहला अंतर आता है, दर्शन किसी भी अनुभव, अनुभूति अथवा अस्तित्व के संबंध में तर्क आदि के आधार पर खोज करने की मानसिक प्रक्रिया है। यानी कि क्या होता है, दर्शन में किसी भी चीज को हम नहीं मान लेंगे, हमारे पास उसके लिए एक अनुभव होना चाहिए, एक अनुभूति होनी चाहिए, उसके अस्तित्व के संबंध में हमारे पास तर्क वितर्क होना चाहिए, यानी कि उसका अस्तित्व है या नहीं है, उस बात को साबित करने की हमें क्षमता होनी चाहिए। हम अगर सामने वाला हमसे तर्क कर रहा है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है, तो हमारे पास जवाब होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए क्या है, हम खोज करते हैं, और जब हम कुछ रिसर्च करते हैं, कुछ खोज करते हैं, तो उसमें क्या लगता है, हमारा दिमाग लगता है, भाई हम जानते हैं, हम समझते हैं, तो ये क्या है, हमारी एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो दर्शन शास्त्र क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है, जबकि शिक्षा के माध्यम से दर्शन द्वारा की गई खोज को व्यवहार में लाया जाता है। यानी कि क्या कहें हम, कि शिक्षा जो है एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। दर्शन शास्त्र में हमने खोज की, लेकिन शिक्षा में क्या किया, हमने उस खोज को से पढ़ा, ठीक है। यानी कि देखिए, मैं आपको बताऊं, आपने पीएचडी की तो क्या होता है, डॉक्टरेट ऑफ फिलोसफी, ठीक है, यानी कि आप फिलोसफी करते हैं, यानी आप रिसर्च करते हैं। मैंने आपको एक टॉपिक दिया, आपने उस टॉपिक के बारे में
खोज की, कुछ नया जाना, कुछ नया खोजा, कुछ नया निकाला, ठीक है, कुछ नया तर्क दिया, वो क्या हो गया दर्शन पर फिलोसफी, फिलोसफर, ठीक है। यानी आपका क्या है, एजुकेशन क्या है, आप जो भी पढ़ रहे हैं, मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ, आपने दक्षिण शास्त्र में जो भी खोज रखी है आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपने सिर्फ उस खोज को पढ़ा है, आपने कुछ नया नहीं ढूंढा, तो वो क्या हो गया शिक्षा। तो शिक्षा क्या किसमें आ गई, व्यवहारिक प्रक्रिया में, और ये किसमें आ गई भाई दक्षिण शास्त्र, मानसिक प्रक्रिया में, ठीक है, याद रखिएगा दक्षिण शास्त्र मानसिक प्रक्रिया है, शिक्षा क्या है व्यवहारिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट आता है दक्षिण का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान के प्रति अनुराग, और शिक्षा का शाब्दिक अर्थ है सीखना अथवा अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। तो देखिए जब हम देखते हैं दर्शन को, दर्शन शास्त्र क्या है, इसका अर्थ हो गया ज्ञान के प्रति अनुराग, यानी कि ज्ञान क्या है उसे खोजना, ठीक है, उसे जानना कि ज्ञान होता क्या है, ठीक है, ज्ञान की ओर बढ़ना, ज्ञान की ओर उत्सुक होना, ठीक है। जबकि शिक्षा क्या है, सीखना, आप इसमें क्या करते हैं, सिर्फ सीखते हैं, जो भी आपकी खोज हो रखी है आपको उससे मतलब नहीं है कि आपको खोज करना है निकल के, आपको क्या करना है उस खोज को पढ़ना है, जानना है, सीखना है उससे, ठीक है। उसके अंदर जो भी अंतर्निहित शक्तियां क्या है, अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, यानी कि अपनी मानसिक शक्तियों का विकास करना, हम मान सकते हैं कि हम सीखते हैं, हम अपने अंदर इस जो आंतरिक शक्तियां हैं, ठीक है, यानी कि हम अपने मस्तिष्क को, अपने मन को उससे मजबूत करते हैं, ठीक है, उससे थोड़ा सा हमें नॉलेज मिल जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी जो लाइफ है उसमें थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाती है, हम उसमें कुछ नया नहीं खोजते, ठीक है। थर्ड आता है आपका दर्शन किसी व्यक्ति का दृष्टिकोण है जो व्यक्ति सामाजिक आदि विभिन्न दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध होता है, ठीक है। दर्शन शास्त्र में क्या होता है, कोई एक व्यक्ति है, यानी कि कोई एक फिलोसोफर है जो अपने व्यवहारिक, व्यक्तिक, सामाजिक सभी तरीके के जो दृष्टिकोण है, ठीक है, यानी कि आप मानिए आप एक फिलोसोफर है, ठीक है, आप एक फिलोसोफर हैं, अब आपका जो भी आपने जीवन जिया अब तक, ठीक है, उसमें आपको जो भी नॉलेज मिली, आपने समाज से जो सीखा, आपने लोगों से जो सीखा, आपने खुद से जो सीखा, आपकी एक दृष्टिकोण तैयार होता है, किसी का एक दृष्टिकोण होता है भाई, अगर आपको एक 6 और 9 नंबर दिखाया जाए, किसी के लिए वो 6 है, किसी के लिए 9, हर किसी की एक जैसी बात नहीं होती, तो यहाँ पे क्या है आपका अपना एक दृष्टिकोण तैयार होता है, तो वो जो दृष्टिकोण होता है वो कहीं ना कहीं उपयोगी सिद्ध होता है। आपने सुना है कि बड़े बूढ़ों की बात मान लेनी चाहिए, बड़े बूढ़े कुछ ज्ञान की बात कहते गए, तो वो क्या है कि ऐसा नहीं है वो जो उनकी जिंदगी में परिस्थिति थी वही आपकी जिंदगी में परिस्थिति है, लेकिन क्योंकि आपको उनकी जिंदगी की परिस्थिति से ज्ञान मिला, उस ज्ञान ने आपकी परिस्थिति में आपकी मदद की जिससे आप उससे निकल सके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दर्शन क्या मदद करता है आपकी कुछ जानने में, आपकी जो दृष्टिकोण, आपके फिलोसोफर का जो दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण आपके अपने जीवन में आपकी मदद करेगा, ठीक है, वो आपके जीवन में उपयोगी सिद्ध होगा। जबकि शिक्षा किसी भी दृष्टिकोण को व्यवहारिक रूप प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। व्यवहारिक रूप क्या, आप अगर शिक्षा प्रदान करते हैं, आप यानी कि आप शिक्षा लेते हैं, सिर्फ आपने कोई खोज नहीं की है, आपने एक दृष्टिकोण अपना नहीं बनाया है, आपने सिर्फ सीधा सीधा पढ़ाई किया है, नॉलेज लिया है, तो इससे क्या होगा आपका दृष्टिकोण व्यवहारिक हो गया, यानी आपकी एजुकेशन आपकी व्यवहार में दिखेगी, आपको बोलने की तमीज होगी, आप बहुत ही अदब से बोलेंगे, बहुत ही अच्छे से बात करेंगे, किसी के संग अच्छा व्यवहार करेंगे, किसी के संग किसी की मदद करेंगे, तो इस तरीके की क्या है, ये आपकी व्यवहारिक दृष्टिकोण हो गया, ठीक है। जबकि व्यक्ति का सामाजिक दृष्टिकोण क्या है, आपको पता है कि व्यक्तिगत रूप से आपने क्या सीखा, समाज ने आपको क्या सिखाया, समाज कैसा है, समाज में आप अपनी कोई आपने स्थिति देखी, आप उसमें सामाजिक रूप से बताएंगे कि भाई यहाँ ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप उस पर अपना कथन देंगे, अपना तर्क देंगे, जबकि आप शिक्षा में ऐसा नहीं करेंगे, शिक्षा क्या है आपके व्यवहार में आएगी, जबकि दर्शन क्या है, दर्शन आएगा आपके दृष्टिकोण में, यानी कि आपकी एक सोच डेवलप होगी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट है दर्शन को मनुष्य अथवा प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की सतत प्रयास के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि क्या है, मनुष्य और प्रकृति का जो संबंध होता है, ठीक है, इसके संबंध में ज्ञान प्राप्त करने का सतत प्रयास, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का एक प्रयास है ये, इसके रूप में इसे परिभाषित किया जा सकता है। जबकि शिक्षा ज्ञान प्रदान करने और विद्यार्थी का विकास करने की प्रक्रिया है। शिक्षा में क्या होता है, हमें ज्ञान मिलता है, उसके अलावा जो विद्यार्थी होता है यानी कि जो ज्ञान लेगा होता है उसके विकास के बारे में हम सोचते हैं, ठीक है। जबकि दर्शन शास्त्र क्या है, मनुष्य और प्रकृति के संबंध में ज्ञान प्राप्त कराता है, यानी कि दर्शन शास्त्र की क्लास की अगर हम बात करें तो पूरी प्रकृति ही दर्शन शास्त्र की क्लास है, कहीं भी जाइए ज्ञान लेके आइए, ठीक है, आपको हर जगह जाके कुछ ना कुछ जानने के लिए मिलेगा, हर किसी से आपको कुछ ना कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो अनुभव,
अनुभव बटोरना, अनुभव इकट्ठा करना, एक अनुभव लेना, वो क्या हो गया आपका दर्शन शास्त्र के अंतर्गत आ गया। लेकिन लिखा हुआ पढ़ना, उससे कुछ सीखना, उसे अपने व्यवहार में लाना, वो आपका शिक्षा के अंतर्गत आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रत्येक व्यक्ति का अपने जीवन दर्शन होता है। देखिए, हर किसी की अपनी एक सोच होती है। सीधे सीधे शब्दों में कहूं, जीवन दर्शन का मतलब है अपनी सोच होना। अगर आप हैं, आपकी सोच अलग है, आपका दोस्त है उसकी सोच अलग है, आपके माता पिता है उनकी सोच अलग है, आपका टीचर है उनकी सोच अलग है। ठीक है, किसी की सोच एक जैसी नहीं होती, सबकी सोच क्या है अपनी अपनी अलग होती है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना एक जीवन दर्शन होता है। ठीक है, जबकि शिक्षा अनेक व्यक्तियों और दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों, शिक्षाविदों आदि के दार्शनिक विचारों पर आधारित होती है। शिक्षा क्या है? शिक्षा है, मैंने आपको एक बुक दी, आपने उस बुक को पढ़ा, आज तक आपने कितनी बुक्स पढ़ी होंगी। अब आपने उस बुक में जो पढ़ा, ठीक है, क्या वो आपका अपना दृष्टिकोण है? नहीं, आपने अपना दृष्टिकोण नहीं पढ़ा है, आपने किसी और व्यक्ति का लिखा हुआ, चाहे वो व्यक्ति कोई भी है, चाहे वो कोई दार्शनिक है, कोई मनोवैज्ञानिक है, कोई शिक्षाविद है, आपने उसके विचारों को पढ़ा, उसके विचारों पर आधारित जो सिलेबस है वो आपने जाना, चीज को पढ़ा, उसे आप व्यवहार में लिया है, या शायद आपने छोड़ दिया, तो वो चीज क्या होती है? वो होती है शिक्षा में, दर्शन में नहीं होती। दर्शन में क्या है? आपका एक दृष्टिकोण तैयार होगा। हर व्यक्ति के पास अपना एक दृष्टिकोण होता है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, लेकिन ये दृष्टिकोण हमारा पर्सनल है। ठीक है, और शिक्षा क्या है? शिक्षा एक दृष्टिकोण हमारा तैयार करवाती है, वो जो सब में आता है। ठीक है, उसमें हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम किसी और के नॉलेज को, किसी और के दृष्टिकोण को हम पढ़ते हैं, और उसे या तो हम अपनाते हैं या तो हम छोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दर्शन सैद्धांतिक आधार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसके विपरीत शिक्षा की प्रक्रिया पूर्णतः व्यवहारिक रूप से संपन्न होती है। सैद्धांतिक आधार यानी कि हम उसके सिद्धांत ढूंढते हैं, हम उसके प्रैक्टिकल्स ढूंढते हैं। ठीक है, दर्शन के क्या है? प्रैक्टिकल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं। ठीक है, उसे उस आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। जबकि शिक्षा क्या होती है? ये एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, जो कि हमारे व्यवहार में होती है, हमारे व्यवहार से प्रस्तुत हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, दर्शन जीवन का विचारात्मक पक्ष है, जबकि शिक्षा क्रियात्मक पक्ष है। विचारात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष से क्या मतलब है भाई? विचारात्मक पक्ष से मतलब है कि विचार की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या है? विचार किया जाता है। दर्शन शास्त्र में हम विचार करते हैं, ठीक है, सोचते हैं, समझते हैं, देन हमारे पास एक आंसर आता है। शिक्षा क्या है? क्रियात्मक प्रक्रिया है, यानी कि आपके पास एक बुक है जिसमें किसी के विचार लिखे हैं, आपको पढ़ना है और उन्हें मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या है? क्रियात्मक पक्ष, उसे मान लिया, क्रिया कर ली, ठीक है, वो क्या हो गया आपका? क्रियात्मक पक्ष। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? दर्शन शास्त्र हर मायने में शिक्षा शास्त्र से थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा उसके जो मार्क्स हैं, अगर हम मार्क्स बेस पे बात करें तो दर्शन शास्त्र थोड़ा सा हाई होता है एजुकेशन के मुकाबले। ठीक है, अब आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा और दर्शन के संबंध बताइए। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, दर्शन और शिक्षा के संबंध की चर्चा कीजिए। ठीक है, अभी हमने क्या बताया था? दर्शन और शिक्षा में अंतर बताया था। अब अंतर है तो समानता भी होंगी। ठीक है, कुछ समानता हमें देखने के लिए मिलेगी, कुछ अंतर हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं समानता की। पहले हमने अंतर देख लिया कि दोनों भाई कैसे कैसे अंतर होता है, क्या क्या अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम देखेंगे महत्व, ठीक है, यानी कि संबंध। ठीक है, तो यहाँ शिक्षा और दर्शन में संबंध, शिक्षा और दर्शन में निम्नलिखित संबंध है। पहला, दर्शन द्वारा ही शिक्षा के महत्व की खोज हुई है, यानी कि अगर दर्शन शास्त्र ना होता तो शिक्षा का भी महत्व नहीं होता, शिक्षा को खोजा नहीं जा सकता था, क्योंकि हम शिक्षा में दर्शन के ही विचार, जो भी दार्शनिक है उनके विचारों को ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दर्शन और शिक्षा अन्योयाश्रित है, अन्योयाश्रित यानी कि एक दूसरे पर आश्रित है। ठीक है, दर्शन ना हो तो शिक्षा का महत्व नहीं, शिक्षा ना हो तो दर्शन का महत्व नहीं। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा के विभिन्न अंगों का दर्शन शास्त्र से घनिष्ठ संबंध है, यानी कि शिक्षा के जितने भी अंग होते हैं वो सब किससे कनेक्टेड होते हैं? दर्शन शास्त्र से कनेक्टेड होते हैं, कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा से दर्शन में गतिशीलता बनी रहती है। अगर शिक्षा शास्त्र है तभी दर्शन में गतिशीलता है, क्यों? क्योंकि पढ़ने वाला है, जानने वाला है, समझने वाला है, तभी कोई खोजने वाला भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है, यानी कि शिक्षा क्या है? शिक्षा की वजह से दर्शन में गतिशीलता आती है, तो गतिशील पहलू हो गया। यह दार्शनिक विश्वास का सक्रिय पक्ष, यानी कि दार्शनिक ने किसी फिलोसोफर ने कोई कुछ ढूंढा, ठीक है, तो उसका क्या है? उस चीज को जानना, समझना जो होता है, इसे कहते हैं सक्रिय पक्ष, यानी कि इस पर काम हो रहा है। ठीक है, और जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने का व्यवहारिक साधन है, यानी कि हमारे जीवन के जो भी आदर्श है उन्हें हम किस तरीके से व्यवहार में ला सकते हैं, किस तरीके से उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, उसका साधन होता है। ठीक है,
नेक्स्ट है, दर्शन और शिक्षा के संबंध के बारे में कई ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध हैं। क्या है कि दर्शन और शिक्षा का एक दूसरे से संबंध है, ये हमें किससे पता चलता है, इतिहास से भी पता चलता है, ऐतिहासिक प्रमाण हमें देखने के लिए मिलते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट है, शिक्षा दर्शन का के निर्माण की आधारशिला है, यानी कि शिक्षा के द्वारा ही जो दर्शन है उसका निर्माण हो पाया है। ठीक है, ये आधारशिला है, यानी कि आधारशिला क्या है, शुरुआत है, ठीक है, उसके बेस है उसका। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा दर्शन को जीवित रखती है, यानी कि शिक्षा ना हो तो दर्शन का महत्व ना रहे, दर्शन जीवित ना रहे। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा दार्शनिक सिद्धांतों की मूर्त रूप है, मूर्त रूप यानी कि दार्शनिक जो सिद्धांत हैं उन्हें हम किस तरह से देख पाते हैं, मूर्त रूप यानी कि जो हम देख पाए, ठीक है, तो उसे हम किस तरह से देख पाते हैं, शिक्षा के जरिए हम उसे देख पाते हैं। ठीक है, तो ये होगा इनमें संबंध, इससे ऊपर हमने बात की थी इन दोनों में अंतर की। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शिक्षा दर्शन का अर्थ और परिभाषा हम जानेंगे। तो देखिए क्या है शिक्षा दर्शन का अर्थ, देखिए शिक्षा दर्शन एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसके अंतर्गत शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उनका हल प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि हम शिक्षा की संबंधित जो भी समस्याएं हैं उसका अध्ययन यहाँ करते हैं। शिक्षा दर्शन एक व्यापक और गतिशील विषय है, व्यापक अर्थात शिक्षा दर्शन जो है काफी बड़ा जो विषय है, ठीक है, इसमें कुछ लोक दर्शन की एक शाखा या अंग भी मानते हैं। तो इसे कुछ लोग क्या मानते हैं, लोक दर्शन यानी कि जो हमारा संसार है, ठीक है, उसकी एक शाखा या उसका अंग भी से मानते हैं। वे इसे दर्शन की वह शाखा मानते हैं जो शिक्षा संबंधी विषयों का दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करती है, यानी कि शिक्षा संबंधी जो भी विषय है उसे अगर हम दार्शनिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें तो वो किसके अंतर्गत आ गई, शिक्षा दर्शन के अंतर्गत आ गई। जिस प्रकार शिक्षा दर्शन को कुछ लोग दर्शन का एक अंग मानते हैं, उसी प्रकार दूसरे लोग इसे शिक्षा शास्त्र का भी अंग मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है शिक्षा दर्शन जो है वो शिक्षा शास्त्र का अंग है, कुछ लोगों का मानना है वो दर्शन शास्त्र का अंग है। ठीक है, शिक्षा दर्शन शिक्षा के विभिन्न अंगों के स्पष्ट करके उसे क्रियात्मक रूप देता है। ठीक है, शिक्षा दर्शन क्या है, शिक्षा के जो भी अंग है, ठीक है, उन्हें पढ़ेगा, उन्हें समझेगा, उन्हें स्पष्ट करेगा और क्या है उसे क्रियात्मक रूप देगा, यानी कि उसे व्यवहारिक रूप में लाएगा। यह उसके विभिन्न अंगों के आवश्यकता अनुसार परिवर्तन तथा परिवर्धन का भी करता है, यानी कि इसमें क्या है, इसके विभिन्न जो अंग है, इसके जो अंग है, ठीक है, किसके, शिक्षा दर्शन के, आवश्यकता अनुसार इसमें परिवर्तन किया जाएगा और कह सकते हैं इसे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, परिवर्तन मतलब थोड़ा सा डेवलप किया जाएगा। ठीक है, और कुछ चेंजेस जिनकी जरूरत होती है वो भी किए जाते हैं। तो शिक्षा दर्शन को अधिकांश लोग आजकल एक स्वतंत्र विषय के रूप में ही स्वीकार करते हैं, यानी कि इसे आजकल के लोगों ने एक स्वतंत्र विषय के रूप में उपाधि दे दी है। अतः शिक्षा दर्शन वह विज्ञान है जिसमें शिक्षा के विभिन्न अंगों से संबंधित समस्याओं पर विचार करके उसके समाधान के लिए विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि दर्शन शिक्षा क्या है, जिसमें शिक्षा के अंतर्गत आने वाले जो भी अंग हैं उनसे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं उन पे हम बैठ के विचार करते हैं और उन पे अपने दार्शनिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा शिक्षा दर्शन। अब परिभाषाएं देखिए इसकी, शिक्षा दर्शन की परिभाषा देखिए, कनिंघम के अनुसार शिक्षा दर्शन शिक्षा की समस्याओं को अपने सभी मुख्य पक्षों में देखता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में गहनता यानी गहनता से समस्याओं का समग्र रूप से अध्ययन करता है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षा दर्शन का कार्य शुद्ध दर्शन द्वारा प्रतिपादित सत्यों एवं सिद्धांतों को शैक्षिक प्रक्रिया के संचालन में प्रयुक्त करना है। ये टीई स्लाइड ने कहा है। ठीक है, यानी कि शिक्षा दर्शन जो होता है उसका कार्य क्या है, शुद्ध दर्शन यानी कि जो दार्शनिक दृष्टिकोण है, शुद्ध दार्शनिक दृष्टिकोण होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उससे प्रतिपादित यानी उससे उत्पन्न सत्य, यहाँ पे ये श नहीं आएगा, ठीक है, कट कर दीजिएगा, प्रतिपादित जो सत्य है यानी कि उससे हमें जो सत्यों का पता चला, जिन सिद्धांतों का पता चला, उसे शैक्षिक प्रक्रिया में लाना, यानी कि शिक्षा के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना, ये सब करना ही क्या होता है, शिक्षा दर्शन में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा दर्शन के अध्ययन की क्या आवश्यकता है। भाई हम शिक्षा दर्शन पढ़ रहे हैं तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उसकी आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है वो। देखिए, शिक्षा दर्शन की आवश्यकता, सबसे पहली आवश्यकता है शिक्षा संबंधी समस्याओं को सुलझाने के लिए। प्रत्येक देश की अपनी भिन्न भिन्न शैक्षिक समस्याएं होती है, यदि उन्हें उचित ढंग से नहीं सुलझाया जाता है तो उन्हें उचित दिशा नहीं मिल पाती है, तो वह शिक्षा लाभकारी होने के स्थान पर हानिप्रद हो जाती है। अब देखिए, हर देश की अपनी अपनी शैक्षिक समस्याएं होती हैं, यानी कि शिक्षा से जुड़ी अलग अलग समस्याएं होती हैं, उन्हें अपने अपने ढंग से हर देश सुलझाता है। ठीक है,
और अगर उसे कोई दिशा मिले ही ना, यानी कि उसे ना सुलझाया जाए, तो वो क्या हो जाएगी, वो शिक्षा क्या हो जाएगी, लाभकारी ना होकर हानिप्रद हो जाएगी, यानी कि हमारे लिए फायदेमंद ना होकर नुकसानदायक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको शिक्षा से जुड़ी कोई समस्या है, आपने कोई बुक पढ़ी, आपको उससे जुड़ी कोई समस्या आई, अगर आपके पास कोई टीचर नहीं है, आपके पास कोई जानकार नहीं है जो कि उसकी जानकारी आपको दे सके, आप अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाएंगे और जो जरूरी नहीं है सही हो, ठीक है, इससे क्या होगा, हो सकता है आगे जाके आपका नुकसान हो जाए। अतः प्रत्येक राष्ट्र के लिए आवश्यक है कि उसकी शिक्षा संबंधी समस्याएं दार्शनिक विधियों से सुलझाई जाएं। अतः शिक्षा दर्शन की आवश्यकता होती है, ठीक है, दार्शनिकता को आधार बना के ही हम शिक्षा ग्रहण करें, ये बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, अध्यापक का उचित दर्शन विकसित करने के लिए, ठीक है, मतलब अध्यापक जो है, जो टीचर है, उसका क्या है, दर्शन विकसित हो, यानी उसका भी दृष्टिकोण दार्शनिक होना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि अध्यापक का अपना कोई ना कोई दर्शन होता है जो शिक्षा के समय उसे प्रभावित किया करता है, परंतु शिक्षा शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में पूर्ण सत्य नहीं माना जा सकता, यानी कि जो भी सारी समस्याएं हैं, ठीक है, अगर उसे एक शिक्षक नहीं सुलझा सकता। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर मैं यहाँ टीचर हूँ, आप अपने टीचर की नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, क्या आपके पास दुनिया के हर सवाल का जवाब है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, इंसान तो आप भी हैं, आप कोई दार्शनिक नहीं है, आपने कोई खोज नहीं की है, तो देखिए आपके पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन का जवाब हो सकता है, लेकिन हर सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो शिक्षा दर्शन के द्वारा अध्यापक अपना दर्शन विकसित करने में सहायक होता है, यानी कि क्या होता है, अगर हमारे पास शिक्षा दर्शन है, ठीक है, आप फिलोसफी की नॉलेज लेते हैं, फिलोसफी एजुकेशन को आप लेते हैं, तो आपके पास मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर होंगे। क्यों? क्योंकि आपने जो दार्शनिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो शैक्षिक लोग हैं, उन लोगों के विचार पढ़े, आपने उन्हें ग्रहण किया, आपने अपने दृष्टिकोण तैयार किया, आप आज इस स्टूडेंट को आंसर दे सकते हो, ठीक है, आपके पास नॉलेज है, ठीक है, जिससे वह शैक्षिक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, ठीक है, नॉलेज होगी तो आप समस्याओं का समाधान कर देंगे, आपको बताने में कुछ खर्च नहीं आ रहा है, आप बताएंगे, लेकिन आप बताएंगे तो तब ना जब आपके पास नॉलेज होगी, तो वो नॉलेज कहाँ से आएगी, शिक्षा दर्शन से। तो अगर आपके पास शिक्षा दर्शन नहीं है तो आप नॉलेज नहीं दे सकते। आज की डेट में अगर मैं आपसे 50 सवाल पूछूं कि आप नॉलेज दे सकते हैं, नहीं दे सकते, कब दे सकते हैं, जब आपने उस चीज को ग्रहण कर लिया होगा, आपने उस चीज को जान लिया होगा, आपके पास उस चीज का आंसर होगा, तभी तो आप बताएंगे, वरना आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट है शैक्षिक मूल्यों की स्थापना हेतु। शैक्षिक मूल्यों की स्थापना मतलब दर्शन जीवन के मूल्यों की स्थापना करता है। दर्शन क्या होता है, हमारे जीवन को मूल्य देता है, यानी हमारे जीवन को आधार देता है, ठीक है। तो शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति का प्रयास किया जाता है, यानी कि आपको अपने जीवन का एक लक्ष्य मिल गया कि हमें भाई अपने जीवन में ये चीज करनी है, शिक्षा के माध्यम से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। शिक्षा दर्शन के द्वारा मूल्यों की स्थापना तथा उसकी प्राप्ति दोनों का प्रयास किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके पास कोई गोल ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपको जीवन में करना क्या है, आपने शिक्षा दर्शन पढ़ी, आपको ये भी पता चलेगा कि भाई हमारे जीवन के मूल्य क्या है, हमारा जीवन क्यों है, हमें कि हम पैदा क्यों हुए हैं, हमारा जीवन क्यों है, इसका क्या महत्व है, हमें क्या करना चाहिए अपने जीवन में, और उसकी प्राप्ति के लिए भी हमें क्या प्रयास करने चाहिए, उसका भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट देखिए, शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार के समन्वय हेतु, यानी कि शैक्षिक सिद्धांत और जो हमारा व्यवहार है उसमें समन्वय, ठीक है। तो दर्शन हमें सिद्धांत देता है, यानी दर्शन से हमें सिद्धांत मिलता है, शिक्षा उन सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में देने का प्रयास करती है, यानी कि क्या है कि उन सिद्धांतों को हम व्यवहार में किस तरह से लाएं, किस तरह से अपनाएं, वो काम कौन करता है, वो काम करती है शिक्षा। शिक्षा दर्शन में सिद्धांत की जानकारी के साथ साथ उन्हें व्यवहारिक रूप देने का प्रयास भी सम्मिलित रहता है, यानी कि दर्शन से जो भी हमें सिद्धांत मिले हैं उसकी जानकारी तो हमें शिक्षा से मिली है, ठीक है, शिक्षा शास्त्र पढ़ने पर, लेकिन उसके साथ साथ उसे हम व्यवहार में कैसे लाए, इस चीज का प्रयास भी शिक्षा करती है, ठीक है। अतः शिक्षा दर्शन की आवश्यकता शैक्षिक और व्यवहार का समन्वय करने हेतु होती है, ठीक है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इन्हें तैयार कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे ही आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।